मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिमंडी के नवी बस्ती में पड़ोस में रहने वाला एक शख्स 8 साल की मासूम बच्ची को बेरहमी से पिटाई करती है। बच्ची के चेहरे पर और शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान भी हैं। किसी तरह से बच्ची इस शख्स के चंगुल से बचकर निकल पाई और लोगों को बताया तो भीड़ इकट्ठा हो गई और उस शख्स की भी पिटाई कर दी गई। बच्ची के पिता ने बताया है कि बच्ची घर से दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी, मगर वापस लौटते समय अपराधी किस्म का ये व्यक्ति, जिसका नाम इरफान हनीफ शेख है, इसी बच्ची को पकड़ लिया और कमरे में ले जाकर मारपीट करने लगा, मगर किसी तरह से बच्ची बच निकली। और इसकी जानकारी परिवार वालों को लगते ही इरफान की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और भिमंडी शहर पुलिस को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही इरफान जेल से छूटकर आया था और अब उसने बच्ची के साथ इस तरह की हरकत की है। पुलिस आरोपी के खिलाफ 354, 323 और 812 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी इरफान को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची के पिता ने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। जानकारी देंगे, क्या मामला है पूरा? सर ऐसा है, मेरी बच्ची 3:30 बजे स्कूल से आई और घर पे गई और घर से नीचे उतरी कुछ दुकान से चीज़ लाने के लिए, फिर नीचे उतरी, फिर चीज़ लेके ऊपर घर पे जा रही थी तो उसने क्या किया, उसका हाथ पकड़ के मुंह दबा के घर में ले गया और उसको मार आने का कारण ये किया और उसका बाल नोच के नीचे पटका और उसके गाल पे पूरा नाखून से मारा। वो कुछ अलग हिसाब का था, मगर मेरी बच्ची हाथ छुड़ा के उसका हाथ पे काट के नाखून मार के घर के बाहर निकली। ये ऐसा मेरे बच्ची के साथ किया। किसने किया ये? तो ये इरफान शेख। कौन है वो, मतलब आपके आपके? मैं उसको जानता नहीं सर, नीचे फ्लोर पे रहता है वो। हाँ? पहले भी तीन साल अंदर रह के आया है। हाँ, बेल पे छुटा है वो रहता था पानी के टाके के पास। उसकी दादी ने उसको छुड़ा के लाई खर्चा करके, फिर वो 8-10 दिन के बाद ये मेरे बच्ची के साथ ऐसा कांड किया। बच्ची के साथ जो ऐसा किया? हाँ हाँ। तो मतलब आप लोग की कुछ पुरानी दुश्मनी? कुछ नहीं नहीं सर, हम उसको जानते ही नहीं सर, बिल्कुल नहीं जानते। वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, एकदम नीचे रहता है, हम लोग ऊपर चौथे माले पे रहते हैं। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, कभी हमने उसको देखे ही नहीं थे, ये ऐसा किया उसने। ये मामले में पुलिस अपने, देखो हम पुलिस के पास गए थे। हाँ, पुलिस के पास गए पंचनामा के लिए आज आए वो लोग। हाँ, पुलिस को हम गए थे तो हम लोग जुमेरात दिन गए थे, हमको 2 बजे तक बिठा के रखे थे, फिर उसका पेपर बना के दिए, 2 बजे हमको पेपर बनाए और हॉस्पिटल में एडमिट किए थे बच्ची को। आज पंचनामा करके लेके गए उसका। बच्ची को कहाँ कहाँ पे लगाया? तो बच्ची देखो उसके चेहरे पे लगा है, पूरा गाल पे लगा है, सर पे लगा है, बाल खींचा हुआ है उसका। हाँ, दांत टूटा है उसका, 2 दांत टूटा है सर, आँख में लगा है, आँख में पूरा एकदम पूरा सूजन आ गया है। तो सामने वाला जो है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया या नहीं? नहीं, वो भाग गया था, फिर उसको पकड़े, पब्लिक पकड़ के उसको दी, फिर उसको लेके गए। अभी क्या न्याय चाहते हैं जो इस तरह की? कुछ नहीं, आज मेरे बच्ची के साथ हुआ है, किसी और बच्ची के साथ नहीं हो कि वो छूटे नहीं, बस यही मेरे को न्याय चाहिए और कुछ न्याय नहीं चाहिए मेरे को।